अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, दिस इज राना शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 4 में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। डियर स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, इंसान की जो बॉडी है जिसमें ये सेल्स से मिलकर बना हुआ है और हर जिंदा सेल को रहने के लिए, काम करने के लिए, मुख्तलिफ प्रोसेस और फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि हमारे जिंदा सेल्स को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है और ये भी देखेंगे कि ये एनर्जी बनती कैसे है और ये एनर्जी कहाँ से आती है। सो पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में, इंटरनल मेम्ब्रेन के बारे में और ये भी देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से काम करता है, डिस्कवरी की बात करेंगे, नंबर एंड साइज की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड माइटो एंड कॉन्ड्रिया, इट इज अ ग्रीक वर्ड माइटो मीन थ्रेड यानी धागा एंड कॉन्ड्रियान मीन ग्रेन्यूल, माइटो मीन थ्रेड एंड कॉन्ड्रियान मीन ग्रेन्यूल। दीज आर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स व्हिच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, कि ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है जो कि पावर हाउस ऑफ सेल कहलाती है। रीजन इज दैट बिकॉज इट प्रोड्यूस, जनरेट एंड सप्लाई द एनर्जी टू द एवरी पार्ट ऑफ द सेल, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इट इज अ यूकैरियोटिक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल इन अ सेल, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। इसकी रीजन ये है कि इसके पास चूंकि अपने रेबोसोम मौजूद हैं और अपना डीएनए मौजूद है जिसकी मदद से ये अपने आप को डिवाइड करके अपने जैसे मजीद माइटोकॉन्ड्रिया, मजीद ऑर्गेनेल बना सकती है। साइज, शेप एंड नंबर वेरीज ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, याद रखना डियर स्टूडेंट, इनका जो साइज है, शेप है, नंबर है, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल अकॉर्डिंग टू देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी ऐसे सेल जो बहुत ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनके पास बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे सेल जो हमारे पास जो कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, याद रखना कि मैं बात करता हूँ रेड ब्लड सेल की, रेड ब्लड सेल में जीरो यानी नो माइटोकॉन्ड्रिया, वाइल इन द लिवर सेल एंड मसल सेल हम जो ना वॉक करने के लिए वर्जिश के दौरान और बॉस बॉडी के जो मसल्स हैं काम कर रहे होते हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, तो इन मसल्स की मूवमेंट के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी हो सकती है डियर स्टूडेंट, याद रखना वो क्वांटिटी लिवर एंड मसल के लिए होती है 100 से लेकर 2000 तक इन माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होती है। उसके बाद एक पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज नॉन एज सिंगुलर टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज यूज एज अ प्लूरल टर्म फॉर डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस क्वांटिटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, सो डियर स्टूडेंट ये हमें नजर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स, इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंटस, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये हमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आती है, मैंने कुछ कंपोनेंट लिखे कि इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, करिस्टी मैट्रिक्स, राइबोसोम एंड डीएनए, दीज आर प्रेजेंट इन द डी माइटोकॉन्ड्रिया। सो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इधर मौजूद होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कवरी के बारे में कि अल्टमैन डिस्कवर द टर्म बायोब्लास्ट इन 1890 एंड सी ब्लेंडर बैंडला डिस्कवर्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इन 1890। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की, लेकिन जो है ना सी बैंडला का जो हाइपोथेसिस दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया के कॉन्सेप्ट दिया गया, वो बेहतर था। उसके बाद हम बात करते हैं ओरिजिन की, सेकेंड ईयर की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 24 के अंदर जो है ना एक छोटी सी टर्म बयान की गई है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, या जिसको आप नाम देते हैं एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस, तो मैं उसको रिलेट करता हूं यहां से। ओरिजिन की बात करें तो डिस्क्राइब्ड बाय द थ्री हाइपोथेसिस, फर्स्ट वन इज नोन एज डी नोवो ओरिजिन हाइपोथेसिस, सेकंड वन इज मैच्योर माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्रोड्यूस माइटोकॉन्ड्रिया,
थर्ड इज नोन एज एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस, सो इनको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है लाइफ स्पैन, या अगर हम बायोजेनेसिस की बात करें, लाइफ स्पैन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज 5 to 10 days, कि इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है, जो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, पुराने टूटते हैं, तो उनकी जो लाइफ स्पैन है वो 5 से लेकर 10 दिन तक होती है। तो मैं बात कर रहा था, एग्जांपल देता हूं कि हम जो है ना डेली बेस पे अगर हम काम करते हैं, सपोज मैंने कोई एक्सरसाइज कर रहा था या मैंने वर्जिश करनी थी, मैं दौड़ कर रहा था, तो मैं 1 मिनट के अंदर जो है ना 2 किलोमीटर तय करता हूँ, कोई फासला तय करता हूँ। तो आप डियर स्टूडेंट इमेजिन करें कि मेरी डेली की रूटीन के मुताबिक 2 किलोमीटर तय करने के लिए मुझे मेरी बॉडी ने इजाजत दी कि मैं जो है ना 100 माइटोकॉन्ड्रिया बना सकूं। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं ये करता रहा, मेरी बॉडी फिट रही। अगर मैं जो है ना मामूल से हटकर जो है ना 5 किलोमीटर फिर 10 किलोमीटर कोई ज्यादा काम कर लेता हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया धड़ाधड़ बनना शुरू कर देंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ेगी। माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ने से, और रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी, और जिसकी वजह से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी बॉडी उसके उनके लिए रेडी नहीं थी। तो आपको पता है हमारे जो मसल्स हैं, इनमें मसल फैटीक हो जाती है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया फिर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ये आपके पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन जिसको नाम दिया जाता है आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज अ स्मूथ, व्हाइल अंडर जो इनर मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये इनर मेम्ब्रेन क्या बना रही है, इनफोल्डिंग बना रही है, और इस इनफोल्डिंग को हम नाम देते हैं क्रिस्टी या क्रिस्टा। ये क्रिस्टी मेड अप ऑफ होती है लिपोप्रोटीन की, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाहिद इनफोल्डिंग है। याद रखना जो साइट है क्रेब्स साइकिल के लिए, ये साइट है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेनस स्पेस है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स का नाम देते हैं, और इसी क्रिस्टी के ऊपर डिफरेंट एंजाइम मौजूद होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस को हम नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, याद रखना ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और परमीएबल है, और जिस वजह से ये परमीएबल है उन सुराखों को हम नाम देते हैं पोरेंस, और यहाँ पर बहुत सारे रेबोसोम मौजूद होते हैं जो कि अपने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, और ये रेबोसोम कौन से हैं, 70S, जो कि किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की, और इसके अंदर अपना एक जो है ना स्मूथ सर्कुलर स्मॉलर डीएनए भी मौजूद है, जिसकी वजह से, इस डीएनए की वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना F1 पार्टिकल की, कि जो इनर मेम्ब्रेन है क्रिस्टी के ऊपर, बहुत सारे स्मॉल स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, या जिनको नॉब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इनको हम नाम देते हैं F1 पार्टिकल, और इनके साथ साथ इनके ऊपर वाली साइड पर मौजूद होते हैं F0 पार्टिकल। ये पूरी स्ट्रक्चर है ATP सिंथेटेज की। सो डियर स्टूडेंट याद रखना, ये वो ATP सिंथेटेज की वजह से जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जो है ना एनर्जी बना सकते हैं, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं, फैक्ट्री मिल भी कहलाते हैं, इनके बहुत सारे नाम है, और एनर्जी फर्नेंस भी इनको बोला जाता है। क्रिस्टी इज मेड अप ऑफ द लिपोप्रोटीन, क्रिस्टा इज अ साइट फॉर द क्रेब्स साइकिल। अब लास्ट में बात करते हैं फंक्शन की, कि कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ATP, कन्वर्जन ऑफ ATP इनटू ATP, स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम, हीट प्रोडक्शन, ये सारे काम जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं। अब लास्ट के अंदर हम देखते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि हमने जो फूड का न्यूट्रिएंट थे रेस्पिरेशन की मदद से CH बॉन्ड को तोड़कर जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई वो क्रिस्टी के पास गई। यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत सारे एंजाइम और ATP सिंथेटेज फैक्ट्री, जिसको ATP सिंथेटेज एंजाइम कहा जाता है, फिर वो ATP बना देते हैं, यही ATP एक्युमुलेशन होती है, फिर ये यूजेज होती है हमारी बॉडी के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या है, और ये कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।